हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आप लोग 2022 में सीनियर सिटीजन कोटा में कंफर्म टिकट किस प्रकार बुक कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम IRCTC रेल कनेक्ट ऐप और IRCTC को वेबसाइट को काफ़ी ज़्यादा अपडेट कर चुका है, तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सिंपल आप लोगों को करना क्या है, प्ले स्टोर ओपन करना है और सर्च बार में सर्च करना है IRCTC रेल कनेक्ट। आपके सामने ये एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे, तो इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। यदि आपने पहले से इंस्टॉल कर चुके हैं तो आप लोगों को IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में अपडेट आ चुका है, तो आप लोगों को समय समय पे अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद सिंपल आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यूजर नेम पासवर्ड फिल करना है, इसके बाद कैप्चर फिल करना है। तो मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट में आपको यूजर नेम, सेकेंड में पासवर्ड, थर्ड में आपको कैप्चर फिल करने के बाद लॉगिन करना है। यूजर नेम पासवर्ड कैप्चर फिल कर लिया हूँ, इसके बाद हमें लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करते ही आप लोगों को यहाँ पे फिर से कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो 4 डिजिट आप लोग यहाँ पे पिन सेट करना है, तो मैंने 2468 टाइप कर दिया हूँ। इसके बाद हमें कंफर्म करना है, फिर से मैं यहाँ पे भी 2468 टाइप कर देता हूँ। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट टाइम फिर से लॉगिन करेंगे तो आप लोगों को सिर्फ पिन टाइप करना होगा, यानी कि पासवर्ड फिल करना नहीं होगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। प्लान माई जोनी पे क्लिक करना है, आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप प्लान माई जोनी टिकट बुक कर सकते हैं। यदि टिकट आपने बुक कर रखे हैं तो माई बुकिंग में यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद PNR इंक्वायरी कर सकते हैं, रिफंड हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, टिकट कैंसिल भी कर सकते हैं। हमें फ़िलहाल में टिकट बुक करना है, माई प्लान माई जोनी पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद फॉर्म स्टेशन और टू स्टेशन आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको किस डेट में टिकट बुक करना है वो डेट आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है, इसके बाद कोटा पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जनरल भी सेलेक्ट करके रख सकते हैं या फिर लोअर बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लोअर बर्थ सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यदि मेल है तो यहाँ 60 साल प्लस होना चाहिए, अगर ये फीमेल है तो 45 साल प्लस होना चाहिए। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, इसके बाद हमें सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। सर्च ट्रेन पे क्लिक करने के बाद इस रूट में जितने भी ट्रेन होंगे देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद सिंपल जिस ट्रेन में आपको टिकट बुक करना है सिंपल क्लिक करना है, जिस ट्रेन में आपको सीट अवेलेबल होंगे वो देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बिहार संबंध क्रांति में सीनियर सिटीजन कोटा में भी सीट अवेलेबल नहीं है। इसके बाद अदर ट्रेन में ट्राई करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें स्वतंत्रता सेनानी में भी 28 फरवरी के नहीं है, लेकिन यहाँ पर 29 फरवरी को 7 सीट अवेलेबल है। हम इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करना है। इसके बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे, जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो हमें पैसेंजर डिटेल फिल करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो हमें न्यू पैसेंजर का ऐड करना है, सिंपल ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद पैसेंजर का नाम फिल करना है, इसके बाद एज फिल करना है, इसके बाद मेल फीमेल सेलेक्ट करना है, इसके बाद यहाँ पर ऐड पैसेंजर पे क्लिक करना है। मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पैसेंजर डिटेल फिल कर लिया हूँ, इसके बाद सिंपल ऐड पैसेंजर पे क्लिक करूँगा। इसके बाद हमें सेकेंड नाम ऐड करना है, तो फिर से हम यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सेकेंड नाम फिर से हमें फिल कर लेना है जो भी है। इसके बाद 45 सेलेक्ट करना है तो फीमेल होगा। इसके बाद फिर से हमें ऐड पैसेंजर पर क्लिक करना है। जब आप सीनियर सिटीजन कोटा में टिकट बुक करेंगे तो एक साथ आप 2 ही पैसेंजर का टिकट बुक कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है, तो फर्स्ट लाइन में आपको जहाँ जाना चाह रहे हैं वहाँ फिल करना है। इसके बाद सेकेंड लाइन में आपको एरिया पिन कोड फिल करना है। इसके बाद आप लोगों को पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंश्योरेंस सेलेक्ट करना है, और इसके बाद यहाँ पे आप UPI से पेमेंट करना चाह रहे हैं तो UPI सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ऊपर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद रिव्यू जोनी डिटेल पे क्लिक करना है, इसके बाद यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 सीट अवेलेबल अभी भी शो कर रहा है। इसके बाद हमें यहाँ पे कैप्चर फिल करना होगा, तो मैं फटाफट कैप्चर फिल कर लेता हूँ। इसके बाद प्रोसेस टू पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद फाइनली हम पेमेंट ऑप्शन पे आ चुका है। जो भी हमें पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं वॉलेट सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद पेटीएम सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद पे क्लिक करूँगा।
जैसे ही पे पे क्लिक करूंगा तो हमारे मोबाइल फ़ोन पे एक ओटीपी आएंगे, ओटीपी हमें फिल कर सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा टिकट सीनियर सिटीजन कोटा में कंफर्म बुक हो जाएंगे। इस टाइम सीनियर सिटीजन कोटा का जो कमीशन है अभी रेलवे की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह से आप लोग बिल्कुल आसानी से आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप से कन्फर्म टिकट सीनियर सिटीजन कोटा में बुक कर सकते हैं। बस आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।